पुलिस थाने के सामने भाभी की हत्या करने वाला देवर गिरफ्तार। उदयपुरवाड़ी पुलिस ने थाने के बाहर दिन दहाड़े महिला की हत्या करने वाला आरोपी देवर राधेश्याम दर्जी को उदयपुरवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतक महिला के पति रामाकांत दर्जी ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने मौके से ही आरोपी को घटना के दौरान ही धर दबोच लिया। घायल महिला ने डॉक्टरों के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घायल महिला के शव को उदयपुरवाटी के मोर्चरी घर में रखवाया गया। महिला के शव का कल होगा पोस्टमार्टम। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक महिला अंजू देवी उसके पति रामाकांत पेड़ जा रहे थे। इस दौरान देवर ने पुलिस थाने के बाहर साकंबरी गेट के पास भाभी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। नाम का एक व्यक्ति है जो जयपुर में अपनी पत्नी के साथ में मुरलीपुरा में रहता है, सिलाई का काम करता है। ये दो दिन पहले बता रहा था कि मेरी माताजी बीमार थी, इसलिए माताजी को संभालने के लिए मैं यहाँ आया था और आज वापस अपने ससुराल में कोई सुंदरकांड का पाठ बताया जिसमें से अपने ससुराल जाने के लिए घर से कह करके निकला था। इसका छोटा भाई है राधेश्याम, वो अनमेरिड है और वो अकेला घर पे रहता है और उसकी माताजी रहती है। तो आज ये वापस जा रहे थे, तीनों साथ में आए। ये राधेश्याम जो मृतका का अंजू देवी का देवर है, ये अंजू देवी उसका पति रमाकांत जी, ये तीनों घर से साथ लेकर आए साथ साथ और बस में बैठने के लिए वहाँ ससुराल जाने के लिए बस के लिए आए। तो अचार खरीदना था, तो अचार खरीदने के लिए रमाकांत बस रुकती है स्टॉपेज से, सामने दुकान है अचार की, तो उसमें अचार खरीदने के लिए चला गया। जो घटना से समथिंग रोड के उस पार 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर के समथिंग है, वो उधर अचार खरीदने के लिए गया। ये इसने गंडा सा निकाला, निकाल करके ये बैठी हुई थी उस पर कुर्सी पे जो सीमेंट की बड़ी होती है, तो उस बैठी के इसने गंडा से ये मारी, तो मारते वो नीचे गिरी और दूसरी और मारी। इतने में जो हमारे संतरी था पुलिस की थी बात, तो मौके से ही इसको दबोच लिया। दबोच करके हमने सूचना थाने में लेके आए, राउंड अप किया और जो घायल थी उस टाइम में मौके पर मृत्यु नहीं हुई थी, इसकी हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते मृत्यु हो गई थी। इसको इंजर्ड अवस्था में अंजू देवी को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाकर कुछ देर तक डॉक्टर ने इलाज भी किया, लेकिन कुछ देर बाद में डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। सर बॉडी इसकी मोरछड़ी में है, बोर्ड गठित करवाया गया पोस्टमार्टम के लिए। तो चूँकि सूर्यास्त होने में कम ही समय बचा था, इसलिए पोस्टमार्टम कल के लिए डॉक्टर ने कहा, सूर्यास्त टाइम लग रहा था, तो पोस्टमार्टम बॉडी मोरछड़ी में है और पोस्टमार्टम कल होगा। जो हत्यारा है उसको मौके से राउंड अप कर लिया था, उससे पूछताछ चल रही है और उसको गिरफ्तार कर लिया जो कल न्यायालय में पेश कर। कहाँ से लेके आए? ये अभी प्राथमिक पूछताछ में प्रथम दृष्टया इसने जयपुर से लाना बताया और ऐसा कोई विशेष गंभीर कारण भी नहीं है कि जिसके सो मोटा इतना हो कि जिसकी वजह से इसने हत्या तक का अंजाम दिया है। इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और मृत्यु का कारण के बारे में और पता लगाया जाएगा किस कारण से क्यों इसकी हत्या तक अंजाम किया। केस बिल्कुल सत्य है, अगर ही इसको थोड़ा बहुत भी टाइम मिल जाता तो आमने शाम थाने के सामने से बसें आती जाती है, रोडें दिल्ली की है और दूर दूर की, और ये अनमेरिड भी है तो इसका कोई पता लगना, जल्दी पता लगना अरेस्ट करने में काफ़ी कठिनाई होती और इसको समय रहते मौके से इसको दबोच लिया पुलिस ने। अगर थोड़ी बहुत भी इसमें 2-5 मिनट की भी अगर देरी होती तो संभावना पूरी पूरी कि कहीं बस में बैठ करके निकल जाता और कहीं छोटे मोटे जो भी है काम कर लेता, रास्ता छोड़ करके कहीं किसी दूर दराज चला जाता, तो इसकी गिरफ्तारी में बड़ी कठिनाई होने की संभावना थी। पति ने FIR दिए, मुकदमा दर्ज हो गया हत्या का और गिरफ्तार भी कर लिया हत्या के अंदर, और इसे तफ्तीश की जा रही है, पूछताछ की जा रही है।